मिलियन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। अर्थात विलय और विलायक के मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब बात यह आती है विलय क्या है, ये भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। विलय वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, और विलायक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, टाइप्स और कर रहे हैं। घुलनशीलता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक समांगी विलयन या होमोजीनियस सॉल्यूशन, और नंबर दो विषमांगी विलयन या हेटरोजीनियस। नौवां है विलय और विलायक से मिलकर, विलय प्लस विलायक, और विलय प्लस विलायक के मिश्रण को ही हम बोल रहे हैं विलयन। अब बात आ रही है समांगी विलयन की। यदि विलय पदार्थ विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए, इस प्रकार के विलयन को हम बोल देते हैं समांगी विलयन। और यदि विलय पदार्थ विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है तो इस प्रकार के विलयन को बोल देते हैं विषमांगी विलयन। विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील हो, यदि पूर्ण रूप से घुलनशील है, पूर्ण रूप से घुलनशील है तो समांगी, और पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है, पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है तब विषमांगी। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। यदि विलायक विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील है तो विलयन समांगी होगा, और यदि विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है तब विलयन विषमांगी होगा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये जो शरबत का एग्जाम्पल है ये समांगी विलयन का ही एग्जाम्पल है। अब ये समांगी विलयन का एग्जाम्पल कैसे है देख लेते हैं। शरबत किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक होती है चीनी और दूसरा होता है पानी। जब हम चीनी अर्थात शर्करा और पानी को एक साथ मिलाते हैं तो मिलाने के बाद में जो मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को ही, उस विलयन को ही बोल देते हैं शरबत। मगर शरबत में चीनी के कोई भी कण शेष नहीं बचता है, चीनी का अस्तित्व शेष नहीं बचता है, चीनी पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है और शरबत प्राप्त होता है। अब देखिए चीनी क्या थी, विलय है, और पानी विलायक। विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए तो विलयन होता है समांगी विलयन। चीनी पानी में पूर्ण रूप से घुल गई तो विलयन हो गया समांगी विलयन। दूसरा एग्जांपल हम पढ़ना चाह रहे थे इसमें विषमांगी विलयन का, इसमें थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने ले रखा है चूना प्लस पानी। चूना प्लस पानी क्या बनेगा, चूना का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, चूना का जलीय विलयन प्राप्त होगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जब भी हम चूना और पानी एक साथ मिलाते हैं तो चूना पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है और पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, जिस कारण हमें एक ऐसा विलयन प्राप्त होता है जिसमें चूने के कुछ कण शेष बच जाते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम बोल देंगे विषमांगी विलयन, क्योंकि इस विलयन में विलय कौन है, विलय है चूना, और विलायक कौन है, पानी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि चूना पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुला, इसका अर्थ यह है कि विलय विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुला, तो इस प्रकार के विलयन को हम बोल देंगे विषमांगी विलयन। अब विलयन के प्रकार पढ़ते हैं, विलय और विलायक। हम पढ़ेंगे विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। इस आधार पर वर्गीकरण करने से हमें विलयन के 9 रूप प्राप्त होते हैं और विलायक भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु। मिश्र धातु जितनी भी बनी होती है वह दो प्रकार के धातुओं से बनी होती है, दोनों के दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं। मिश्र धातु में भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि पीतल।
में लगभग 80% कॉपर और 20% जिंक उपस्थित होता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, जब विलय ठोस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में, अर्थात ठोस घुला हुआ है द्रव में। इसका एग्जाम्पल अभी हम पढ़ चुके हैं, सर्प। सर्पत में दो पदार्थ थे, चीनी और पानी। चीनी किस अवस्था में था? ठोस में। और पानी किस अवस्था में था? द्रव में, अर्थात ठोस घुला हुआ है द्रव में। ठोस का ठोस में विलयन अभी मैं आपको समझा रहा था, मिश्र धातु है और कॉपर और जिंक दोनों के दोनों ही ठोस धातु होते हैं जो एक दूसरे में घुले हुए हैं। अब एग्जाम्पल देखना है, जब कोई ठोस घुला हुआ हो किसी गैस में, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कपूर को। कपूर घुल जाता है नाइट्रोजन। कपूर किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और नाइट्रोजन किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। इन दोनों का जो मिश्रण प्राप्त होता है वह इसी ही एग्जाम्पल का है, जब कोई ठोस घुला हुआ हो किसी गैस में। अब द्रव घुला हुआ है किसी ठोस में, तो इसके एग्जाम्पल में हम लेंगे मरकरी। मरकरी घुल जाता है धातु में, जैसे कि मरकरी घुल गया सोडियम में और बना दिया क्या? सोडियम अम्लगम। सोडियम अम्लगम जो है, अम्लगम, सोडियम अम्लगम एग्जाम्पल है किसका? जब कोई द्रव घुला हुआ होता है किसी ठोस में। अब द्रव घुला हुआ है द्रव में, इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, जैसे कि दूध घुला हुआ है पानी में, दूध प्लस पानी दूध का एक्वस सॉल्यूशन। द्रव घुला हुआ है गैस में, द्रव घुला हुआ है गैस में, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है इसका, कोहरा होता है। इसमें क्या होता है, कोहरे में पानी की वेपर बनती है, भाप बनती है और जो उड़कर वायु में मिल जाती है, जिससे कोहरे का निर्माण होता है। इसमें आप द्रव का गैस में विलयन में बादल भी ले सकते हैं, गैस का ठोस में विलयन। अब कोई गैस घुली हुई है ठोस में, गैस घुल जाती है हाइड्रोजन, किसमें? प्लेटिनियम में या पैलेडिनियम धातु में। प्लेटिनियम या पैलेडिनियम धातु हाइड्रोजन गैस को सोख लेती है और हाइड्रोजन गैस की तरह ही व्यवहार करती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस प्लेटिनियम में या पैलेडिनियम में घुल जाती है। गैस का द्रव में विलयन, जब कोई गैस घुली हुई हो किसी द्रव में, इसका एग्जाम्पल है सोडा वाटर। हमारे घर में जो गर्मियों में यूज होता है कोल्ड ड्रिंक, वह प्राय यही होता है सोडा वाटर। इसमें CO2 घुली होती है वाटर में, CO2 घुली होती है वाटर में, H2O में, जल में। गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वायु ही है। वायु एक गैसीय मिश्रण ही है जिसमें अनेक गैस एक साथ घुली हुई होती। मोलरता पढ़ेंगे स्टूडेंट, मोलरता होती क्या है? मोलरता की डेफिनेशन याद करना बहुत ही आसान है और इसे समझना भी। समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। हमारे पास में कोई एक लीटर विलयन है, ये हमारे पास में है एक लीटर। इस एक लीटर को हमने विलयन से भर दिया, अर्थात हमारे पास में है एक लीटर विलयन। विलयन किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है? दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। अब यहाँ आपको केवल यह देखना है कि एक लीटर विलयन में विलय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं। जितने मोल घुले हुए होंगे वही विलयन की क्या आ जाएगी? मोलरता। इसकी डेफिनेशन भी यही है। देखिए इसकी डेफिनेशन, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसे M से प्रदर्शित
ये सवाल हमें दिया हुआ है और ये सवाल हमें सोल्व करना है। सबसे पहले आप 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया है, मिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ये देखिए कौन घुला हुआ है और किस में घुला हुआ है। NaCl घुला हुआ है जल में, अर्थात NaCl क्या हो गया, विलय। NaCl विलय है और जल अर्थात H2O विलय। विलय का भार दे रखा है ग्राम में, तो हमने लिख देंगे आंसर में विलय का भार बराबर 5.85 ग्राम। विलायक का आयतन दे रखा है, ध्यान से देखिए ml में दे रखा है, तो लिख देंगे विलायक का आयतन बराबर 500 ml या 1/2 लीटर। सूत्र लगाते हैं मोलर। देखिए कौन कौन से मान इस समय हमारे पास में है। विलायक का भार है, विलायक का अनुभार नहीं है, विलायक का आयतन है 5 ml 1/2 लीटर। अब हमें निकालना है विलय का अनुभार। विलय का अनुभार, किसी पदार्थ का अनुभार निकालने के लिए उसमें उपस्थित तत्वों के अनुभार, उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु भार को जोड़ देते हैं। अब हम निकालते हैं विलय का अनुभार। किसी यौगिक का अनुभार निकालने के लिए उसमें उपस्थित परमाणुओं के भार को जोड़ देते हैं। जैसे कि हमें निकालना है NaCl का अनुभार, तो इसमें कोई दो पदार्थ हैं, एक Na है और दूसरा Cl। Na का भार दिया हुआ है 23 और Cl का भार दिया हुआ है 35.5। कितना हो गया, 58.5। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। विलय का भार कितना है 5.85, अनुभार कितना है 58.5, आयतन कितना है 1/2, इससे ये कट जाएगा 10/2 पर चला जाएगा, कितना हो गया 2/10। उसे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। स्टूडेंट कुछ सवाल अब आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो आपको खुद सोल्व करने हैं। अगर ये आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।